वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। चल रहा है कि हीना मैडम भरपूर पुरजोर मतों से आगे जीत रही हैं। वजह यह है कि मैडम भी जीत के मोदी के साथ ही जाएंगी। यहाँ सिवान का एक इतिहास है, जहाँ जिधर भीड़ जाता है ना उधर जनता नहीं जाती है। जबकि शहाबुद्दीन राजद के संस्थापक में से रहे हैं, सिवान में जो विकास के कार्य उनके द्वारा किया गया है, जो लकीर उन्होंने खींची है। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और मैं इस वक्त सिवान में हूं। जी हां, सिवान का बस स्टैंड का इलाका। और सुबह सुबह मैं चाय की दुकान में पहुंच गया और महसूस करना चाहा कि आखिरकार इस इलाके का मिजाज कैसा है, मूड कैसा है। क्योंकि आप बिहार में अक्सर पाएंगे कि लोग सुबह सुबह चाय की दुकान पर पहुंचते हैं, राजनीतिक चर्चा करते हैं। देखिए, ये बंटी कुल्हड़ चाय है, आप देख सकते हैं। और ये बंटी कैसे चाय यहाँ पर डाल रहा है, आपको मैं वो भी दिखाना चाहूँगा। और सुबह सुबह लोग भारी संख्या में यहाँ एकत्रित होते हैं, और सिर्फ एकत्रित ही नहीं होते हैं, अगर मैं आसपास दिखाना चाहूँ आपको तो आप देखिए कि बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए भी हैं, जो कि बैठे हुए हैं राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं। हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो सिवान की राजनीति है वो किस ओर जा रही है। सिवान कई वजहों से जाना जाता है। मोहम्मद शहाबुद्दीन यहाँ सांसद होते थे और उनकी चर्चा बाहुबली के तौर पर अक्सर होती रहती थी। मोहम्मद शहाबुद्दीन रहे नहीं, उनकी पत्नी हीना शहाब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। और अगर हम बात करें आरजेडी से, तो आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी फॉर्मर स्पीकर चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर हम जेडीयू की बात करें तो रमेश कुशवाहा, वैसे उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन ये तीनों प्रत्याशी मैदान में। अब देखिए, ये चाय के दुकान से सटा हुआ इलाका, इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, राजनीतिक चर्चा परिचर्चा का दौर शुरू है। और हम इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार यहाँ माहौल कैसा है। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। अभिषेक जी, क्या चल रहा है सिवान? चल रहा है कि हीना मैडम भरपूर पुरजोर मतों से आगे जीत रही हैं। अच्छा, वजह क्या है? यहाँ तो लोग कहता है कि या तो लोग एनडीए को वोट कर रहे हैं या महागठबंधन को कर रहे हैं, मतलब या तो मोदी नहीं तो मोदी के खिलाफ। यहाँ हीना साहब के पक्ष में आप क्यों हैं, वजह क्या है? हीना साहब एक शिक्षित महिला है, संघर्षशील महिला है, और सिवान के लिए वो बहुत कुछ की हैं और आगे भी बहुत कुछ करेंगी। अच्छा। और वजह मोदी और नीतीश की कोई नहीं है, वजह यह है कि मैडम भी जीत के मोदी के साथ ही जाएंगी। अच्छा, वजह यह है। मैं चाहूँगा दीनबंधु जी आप भी आइए, आपसे भी बात करना चाहूँगा। तो ये वजह है, वो शिक्षित हैं, लोगों को उम्मीद उनसे ज़्यादा है, संघर्षशील हैं। हमारे साथ एक पत्रकार भी हैं जो कि नवभारत टाइम्स से जुड़े हुए हैं, दीनबंधु जी इनका नाम है। दीनबंधु जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, आप यहाँ चाय की दुकान पर बैठे हैं, चाय का चुस्की ले रहे हैं, यहाँ राजनीतिक माहौल कैसा है? देखिए, किसी भी चीज़ को समझना है तो हम लोगों को तो भाई चाय की दुकान, पान की दुकान, यहाँ पर जेन्युइन राजनीतिक चर्चा चलती है, जो कि मतलब जो असल लहर है वो आपको कहीं ना कहीं टटोलने के लिए अच्छा माकूल जगह होता है चाय की दुकान। सिवान की राजनीति बहुत ही दिलचस्प राजनीति है, क्योंकि अभी जो तीन प्रत्याशी यहाँ जो अभी मैदान में हैं, ये तीनों वेल नोन चेहरे हैं। हालांकि इसमें हीना साहब और औध बिहारी चौधरी, ये दोनों करीब करीब एक ही पार्टी के लोग रहे हैं, इसलिए भी और भी दिलचस्प यहाँ बनता है। रमेश कुशवाहा, जो कि जिनका बैकग्राउंड माले का रहा है, वो भी एनडीए के इस समय उम्मीदवार, उनकी पत्नी बनी है। और अभी वर्तमान जो सिनेरियो है देखेंगे तो ये दल जो राजद है उसी का हिस्सा है अभी सीपीआई एमएल। तो यहाँ पे बैकग्राउंड के तीनों प्रत्याशी, हीना साहब और बैर चौधरी और रमेश कुशवाहा की पत्नी, इनका विचारधारा और यह पार्टी का जो वोट, कैडर वोट है, वो सबका एक ही है। तो ऐसे में राजनीति बड़ा दिलचस्प हो गया है। और जो एनडीए के वोटर हैं वो अभी साइलेंट हैं, वो देख रहे हैं स्थिति को। अब उनका वोट ही यहाँ जीत हार का फैसला तय
तय करेगी। पर एनडीए के वोटर के सामने कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि जेडीयू ने जिनको टिकट दिया है उनका बैकग्राउंड माले वाला रहा है, तो एनडीए के वोटर अगर सोचते होंगे कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो स्थानीय उम्मीदवार को देख करके उनके मन में क्या फीलिंग आ रही। नहीं, लोग जैसा कि हम लोग जो फील्ड में बात कर रहे हैं, लोग मायूस हैं, क्योंकि एक कार्यकर्ता जो वोट बैंक बनाता है पार्टी का, वो आधार होता है, और कहीं ना कहीं बाहर से जब किसी उम्मीदवार को लाके थोप दिया जाता है तो निश्चित रूप से एक कार्यकर्ता की पीड़ा को समझा जा सकता है। लेकिन एक दलीय मर्यादा होती है, लोग बोल नहीं पाते हैं लेकिन दिल में कहीं ना कहीं बात तो रहती ही है, क्योंकि जो अभी एनडीए के उम्मीदवार हैं वो बाहर से आए हैं, तो लोग थोड़े नाराज हैं, थोड़े मायूस भी हैं। अब उनकी नाराज़गी अब देखने को मिलेगी, यहाँ 25 तारीख को मतदान है, कि तब तक प्रत्याशी मना ले रहे हैं यह नाराज़गी दिखेगी, अभी आने वाला वक्त बताएगा। आपका नाम क्या हुआ? सौरभ कुमार सर। सौरभ जी, आप क्या करते हैं? सर, हम पढ़ाई करते हैं अभी। आप पढ़ाई करते हैं, आपने वोट दिया अभी? हाँ, बहुत बार दिया। बहुत बार दे दिए वोट आप। आपकी उम्र क्या? वो मेरा 26 साल हो गया। अच्छा, 26 साल। यहाँ किसका जो? यहाँ तो आज से करीबन 10-15 साल से तो एनडीए का ही जोर है। एनडीए से जो भी प्रत्याशी आई है उसे सिवान की जनता ने चुनकर भेजा है। अच्छा, तो यहाँ हिना साहब भी मैदान में हैं। क्या लोग देखा, काफ़ी सुबह सुबह देखा, भीड़ उनके पीछे चल रही थी? भीड़ यहाँ पे, जिसमें यहाँ सिवान का एक इतिहास है, जहाँ जिधर भीड़ जाता है ना उधर जनता नहीं जाती है। अच्छा। जनता जाती ही नहीं है, जहाँ जिधर भीड़ गया उधर का वोट गया। और जहाँ तक सिवान की बात है तो सिवान में बहुत सारे प्रत्याशी अभी खड़े हैं, सभी के सभी धाकर प्रत्याशी, कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन यहाँ से एनडीए का कुनबा बहुत मजबूत है। एनडीए मजबूत होने की वजह क्या दिखाई पड़ती है? क्या बढ़िया काम किया है एनडीए ने, या मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते? मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और लगभग काम पहले की अपेक्षा थोड़ा बहुत ज़्यादा हुआ है। जैसे कि हम लोग आज तक ऐसे वाला हाईवे कभी नहीं देखे थे, लोग ऐसे छोड़ो फिर ऐसे छोड़ो फिर ऐसे छोड़ो, वो हम लोग सिवान में देख लिए। लोग सिवान में विकास हुआ है, कॉलेज भी बने हैं, मेडिकल कॉलेज भी बने हैं, हॉस्पिटल का भी जीर्णोद्धार हो रहा है, मतलब विकास देखने के माध्यम चाहिए तो देख सकते हैं लोग कोई आदमी। तो आप वोट स्थानीय प्रत्याशी की वजह से करेंगे या मोदी जी की वजह से? वो मोदी जी की वजह से करेंगे, हम स्थानीय प्रत्याशी को नहीं। लगभग जहाँ तक यहाँ पे सबसे स्थानीय प्रत्याशी में सबसे ज़्यादा योग्य तो माननीय जीवन यादव जी हैं, जिन्होंने बहुत सारा विकास का काम किया है, मतलब सबसे योग्य, अगर प्रति योग के बाद योग के बात किया जाए कि सबसे योग्य यहाँ पे प्रत्याशी जीवन जाते ही होंगे, लेकिन वोट एनडीए को ही जाएगा। अच्छा, वोट एनडीए को जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री आप तीसरी बार मोदी जी को एकदम तीसरी बार मोदी जी को देखना चाहेंगे, और 400 पार तो कैसे भी कराना ही है, तो 400 पार कराना ही कराना है। वाह, आपका नाम क्या है? अमित कुशवाहा। अमित कुशवाहा। तो आप सुबह सुबह चाय की चुस्की लेने यहाँ पहुँचे? हाँ, रेगुलर आते हैं, जाते रहते हैं, हम लोग मित्र मंडली बैठते हैं, एक दूसरे से चर्चा करते हैं। तो सुबह सुबह रेगुलर आते हैं आप मित्र मंडली के साथ बैठ कर के चाय की चर्चा करते हैं? जी जी, आते रहते हैं। तो ये बहुत देखते हैं भीड़ भाड़, काफ़ी टाइम से देखा हमने, लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं चाय पी रहे हैं। हमारे पास ये सिवान के सबसे मशहूर चाय वाले हैं, बंटी चाय जी। अच्छा, ये सबसे मशहूर चाय वाले? देखिए, ये सबसे मशहूर चाय वाले हैं, मैं आपको ये बता दूँ, और इसीलिए मेरा मन किया कि यहाँ पहुँच के चाय भी पी जाए और लोगों से चर्चा भी की जाए, इसलिए चाय पे चर्चा जारी है। आप क्या करते हैं? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। आप मैकेनिकल इंजीनियर जी? तो अभी क्या नौकरी कर जॉब कर रहे हैं? यहीं पे करते हैं? नहीं, नोएडा करता हूँ, पर फिलहाल मैं अभी यहाँ हूँ। अच्छा, अभी चुनाव के समय में आप यहाँ हैं जी? क्या क्या माहौल है? माहौल है, विकास का माहौल है, विकास के ऊपर वोट होगा। विकास के ऊपर कौन? स्थानीय मुद्दे पे हम लोग चुनाव में वोट करेंगे। स्थानीय मुद्दा क्या मतलब उसको? तो वो विकास के नाम पर आप किसको पसंद करते हैं? क्या मोदी जी को चाहते हैं, हिना साहब को चाहते हैं, अवध बिहारी चौधरी को चाहते हैं? शांति माहौल चाहते हैं सिवान का लोग, शांति सद्भाव बना रहे तभी विकास संभव है। शांति सद्भाव बना रहे, पर एक चीज बताइए कि जो एनडीए के भी प्रत्याशी हैं उनके पीछे माले वाला तमगा लगा हुआ है, माले और शांति संभव है क्या आपसे? शायद वो पिछले, हमको जहाँ जानकारी है, पिछले 15 साल से वो जदयू में है शायद, और पीछे एमएलए भी रहे, हमको जानकारी है, जैसे जदयू का एमएलए रहे जीरादेई से, तो उम्मीद है उनसे भी, और बाकी लोगों को और बिहारी से उम्मीद है।
बिहारी जी से भी उम्मीद है लोगों को। अच्छा, अवध बिहारी जी, आपको उम्मीद किससे? हमें तो हमें क्या बताएं उम्मीद, हमें तो विकास चाहिए, आप जो करें उससे उम्मीद है। नहीं, पर आप मत तो डालेंगे ना? डालेंगे तो मेरा मत है कि आम जनता का मत है, वो गोपनीय रहता है। अच्छा, चलिए ये आप गोपनीय ही रखिए, कोई बात नहीं। आप अपना नाम बता दीजिए। विकास कुमार। विकास जी, आप क्या करते हैं? आप पढ़ते हैं जी। तो आपने वोट डाला है, आपका वोट का एलिजिबिलिटी हो गया? डाले। कितनी बार डाले? एक बार डाले। तो आप दूसरी बार डालेंगे जी? वाह। तो यहाँ मुद्दा क्या है? हिना साहब जी का चर्चा हम लोग बाहर भी सुनते हैं, साहबुद्दीन जी की पत्नी हैं वो, तो वो कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि लड़ाई उन्हीं के साथ है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ कोई विकास ही नहीं हुआ अभी तक। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ? तो विकास नहीं हुआ तो इसकी वजह कौन है? इसकी वजह खाली जुमलेबाजी है। जुमलेबाजी है तो मतलब आप केंद्र में परिवर्तन चाहते हैं? जी। अच्छा, क्यों परिवर्तन क्यों चाहते हैं? रोजगार। अच्छा, रोजगार आपके लिए अहम मुद्दा है। और आप स्टूडेंट हैं, क्या चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? कंपटीशन की। देखिए ये बहुत दिलचस्प बात है, और मैं आपको बताऊं, सिर्फ सिवान में ही नहीं, कई जगहों पर मैं गया और जब मैंने विद्यार्थियों से बात की तो उनके भीतर रोजगार को लेकर के चिंता है, नौकरी को लेकर के चिंता है, और वो कहीं ना कहीं जब नौकरी का मसला उठता है तो वो परिवर्तन की बात करते हैं। और ये जो बात है वो कहीं ना कहीं एनडीए के खिलाफ जाता है। तो ये बताइए, आपको क्यों लगता है कि महागठबंधन आ जाएगा तो रोजगार मिल जाएगा? जरूर, आपने देखा है बिहार में। अच्छा, तो बिहार में जो रोजगार मिला है वो आप क्रेडिट तेजस्वी यादव को देते हैं? जी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनको क्यों नहीं? लेकिन विभाग तो उनके तेजस्वी यादव के ही पास था, शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग इसके पहले भी 17 वर्ष से मुख्यमंत्री थे तो क्यों नहीं किया? इसके पहले भी 17 वर्ष से मुख्यमंत्री थे तो क्यों नहीं जॉब निकाले? पर मुख्यमंत्री तो मुखिया होता है ना, करता तो, लेकिन जो संभव है तेजस्वी यादव ने करा। नहीं, मैं आपकी भावनाओं का कद्र करता हूँ, मैं बस समझना चाह रहा हूँ कि आप तेजस्वी यादव को क्रेडिट क्यों दे रहे हैं, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। क्योंकि नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि ये हमारे साथ निश्चय 2 का हिस्सा था, हम 5 लाख रोजगार और विधानसभा चुनाव से पहले देंगे, ये बात जान लीजिए। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्या मानते हैं? इसका पहल तेजस्वी यादव ने किया था, वो 17 साल से क्यों नहीं दे रहे थे? 17 साल से जो खाली पड़ी थी सीटों, क्यों नहीं निकाल रहे? तो तेजस्वी यादव को पहल है कि इतना बड़ा रोजगार बिहार में मिला हुआ, और इसके बाद जब गठबंधन जब आएगी केंद्र में तो इससे भी ज़्यादा बहाली, 1 करोड़ लोगों की बहाली मिलेगी सरकारी नौकरी। तो नौकरी वजह है जो आपको लगता है तेजस्वी यादव ने आपके भीतर उम्मीद जगाई है, तो आप अवध बिहारी चौधरी को वोट करेंगे, ये मान लिया जी? आपका शुभ नाम क्या? जी, मेरा नाम मोहित कुमार है। मोहित जी, आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। हाँ, स्टूडेंट हूँ। आप भी स्टूडेंट हैं जी। और यहाँ चाय पीने आते हैं? हाँ, सुबह में आते हैं। सुबह में फेमस चाय है यहाँ। अच्छा, फेमस चाय रोज आते हैं? तो ये बंटी चाय ज्यादा पसंद है आपको इसकी? हाँ हाँ, थोड़ा ज्यादा अच्छा। तो इस राजनीतिक माहौल में कब तक बैठते हैं आप? यहाँ वही चाय पीते फिर निकल जाते हैं। चाय पीते हैं तो निकल जाते हैं। आप क्या चीज की पढ़ाई करते हैं? मैं इंटर पास हूँ। आप इंटर पास? आपने वोट दिया अभी? इसके पहले दिए हैं। पहले? हाँ हाँ। दूसरी बार? हाँ जी, दूसरी बार। क्या माहौल है यहाँ? हिना मैडम है। हिना मैडम है? हिना मैडम। हिना मैडम यहाँ विकास नहीं हुआ? विकास नहीं जी। उनके पति तो 2 बार MLA 4 बार MP रहे, तो विकास तो उन्हीं को करना चाहिए था। अगर विकास नहीं हुआ तो उनके पति जिम्मेदार हैं? ना ना, वो विकास किए हैं। यहाँ आप कॉलेज देखिए, अस्पताल खुले उन्हीं का दिया हुआ है। अच्छा। मेडिकल कॉलेज या इस्लामिया कॉलेज, वो सब उन्हीं का दिया हुआ है। उन्हीं का दिया जी। और पिछले 3 बार से वो नहीं जीते, इसलिए विकास नहीं? इसीलिए विकास नहीं हो पाया, यही यहाँ विकास नहीं हो पाया कोई नहीं। लेकिन उनके उनको लेकर के ये बात होती है कि वो आएंगी तो माहौल खराब हो जाएगा, इस तरह की बात हो ना? वैसी बात नहीं है। उनका पुराना रिकॉर्ड, उनके पति का रिकॉर्ड तो आपराधिक नहीं रहा? अपराधी था भैया, लेकिन उन्होंने विकास करेंगे, हमें उम्मीद है। उनके बेटे से डर नहीं है लोगों? ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने अखबार में पढ़ा है उनके बारे में बहुत कुछ, उनके बेटे के बारे में भी। आपको लगता है वो सब कुछ? ना ना, वो ऐसी बात नहीं दिख रही है कि मेरा, हम लोगों को यहाँ विकास चाहिए, प्रत्याशी NDA ना अराजक कोई नहीं चाहिए। आपको लगता है कि हिना साहब भी
विकास कर सकती हैं या एनडीए राजद से आपका मतलब नहीं है? पहले भी जो विकास सिवान में हुआ है वो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ही किया, इसलिए आपको उनकी पत्नी पे ही भरोसा है, आप ये कहना? जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप साहब अपना नाम बता दीजिए। विपिन कुमार पांडे। आप क्या करते हैं पांडे? अपना काम करते हैं। हाँ? अपना काम करते हैं, अपना काम, अपना रोजगार करते हैं, व्यापार करते हैं। हाँ जी। क्या माहौल है इस शहर का? माहौल तो विकास पे ही वोट होगा। विकास पे वोट? हाँ। विकास कौन करेगा? देखिए यहाँ एनडीए से जो कैंडिडेट हैं वो जदयू के से आए हैं, उनका बैकग्राउंड पहले से मालिक रहा है, वो राता राती जदयू में आ गए, उनको टिकट मिल गया, तो उनके टिकट मिलने से हम लोग नाराज हैं और हम लोग वोट निर्दलीय को देंगे। आप उनको वोट नहीं देंगे? विकास की बात कर रहे हैं लेकिन एनडीए का विकास जरूरी थोड़ी है कि नीतीश कुमार ही करेंगे। अच्छा। ऐसा तो नहीं है। कौन करेंगे? जो सरकार में आता है वो विकास करता है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि आपको आप हर थोड़ी लगा कि नीतीश कुमार विकास करते हैं। सही बात है। कब किस पार्टी में है वो 2013 से तो बिहार को चबा गए हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर करते हुए, इसलिए हम लोग उनके पक्ष में नहीं है, हम जदयू के पक्ष में नहीं है। तो पांडे जी क्या परिवर्तन केंद्र में चाहते हैं? परिवर्तन तो होना चाहिए, डेमोक्रेसी में तो परिवर्तन सुनिश्चित है। तो नया प्रधानमंत्री चाहिए? जी एकदम चाहिए। तो यहाँ से उम्मीदवार किसको बना के भेजेंगे जो नया निर्दलीय के पक्ष में है? हाँ, मतलब आप हिना जी को मानते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर? हाँ हाँ ठीक है। क्या आपको ये घबराहट नहीं होती है कि यहाँ से फिर से माहौल खराब होगा? वो चैप्टर बंद हो गया, वो चैप्टर क्लोज हो गया, क्लोज हो गया है। ये हिना साहब का दौर है, ना कि शहाबुद्दीन साहब का दौर है। पर उनके बेटे को लेकर के भी बेटा तो अभी कहीं, बेटा तो अभी भविष्य में है, बेटा तो वर्तमान में है नहीं, जनता देखेगी 5 साल जो उसके बाद तो पलटी देगी। भविष्य को लेकर के कहा जाता है कि बेटे भी उस मिजाज के व्यक्ति? नहीं नहीं, कानून तो यहाँ है ना, कानून तो है, ऐसा कुछ अगर कोई भी करेगा उस पर दंड मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखिए बड़ा दिलचस्प बात है, यहाँ पर कुछ लोग एनडीए के सपोर्टर हैं, कुछ लोग आरजेडी चाहते हैं जो रोजगार की बात कर रहे हैं, और कुछ लोग हिना जी के पक्षधर हैं। सवाल यह है कि विकास सबको चाहिए लेकिन विकास का पैमाना सबके लिए अलग अलग है। मैं आपके पास अभिषेक जी आना चाहूँगा, आप ये बताइए कि आपका किसी दल से संबंध है? अरे जो भी वोटर है उसका किसी न किसी दल से संबंध तो होता ही है। किसी दल के कार्यकर्ता हैं? नहीं नहीं, किसी दल का कार्यकर्ता नहीं। कार्यकर्ता नहीं? नहीं नहीं। तो ये बताइए कि हिना जी के पक्ष में, आप हिना साहब के पक्ष में हैं, आप चाहते हैं हिना साहब आएं, पर एक चर्चा ये भी उठती है कि उनके बेटे बड़े बाहुबली हैं, दबंग मिजाज के? ऐसा नहीं है, ये तो अपनी अपनी सोच है, नया लड़का है, नया जोश है, नया उसके में एनर्जी है, तो लोग तरह तरह की सवाल, तरह तरह के आरोप लोग एक दूसरे पे लगाते हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ इस तरह का नहीं है। तो हिना साहब के साथ क्या सभी जाति के लोग हैं? यहाँ जातिगत राजनीति होती है या हिंदू मुस्लिम के आधार पर वोट बंटता है? बिहार है तो बिहार में तो जातिगत राजनीति एकदम स्वाभाविक है, यहाँ लोगों की मानसिकता अपने जात पे जाके अटक जाती है, फंस जाती है। लेकिन अभी क्या है कि जिस तरह का माहौल दिख रहा है, कुछ वोटर ऐसे हैं जो कि एकदम पूर्ण रूप से साइलेंट है, तो कुछ लोग हैं कि पूरे दमखम के साथ अपने प्रत्याशी के पीछे लगे हुए हैं, और कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जिनके साथ हर जात धर्म के लोग खुलेआम समर्थन में हैं। ये कौन प्रत्याशी? इसमें तो निर्दलीय प्रत्याशियों को देखा जा रहा है। अच्छा, हिना साहब के साथ हर जाति धर्म के? जी जी जी, हमने देखा भी उनके आगे पीछे हर कलर के लोग थे, भगवा भी। उनका शुरू से पंचलाइन रहा है कि हर रंग हमारा है, हर रंग हमारा है। लेकिन अगर दूसरा मुस्लिम होता तो वो तो अभी तक काफिर हो गया होता। हाँ, ऐसा तो अगर इस तरह की बात की जाए तो लोग कहते भी हैं, लेकिन इनके साथ है कि शुरू से सारे लोग जुड़े हुए हैं, इनके पति जो थे शहाबुद्दीन उनके साथ भी हर समाज के लोग जुड़े हुए थे। तो शहाबुद्दीन नाम का डर नहीं है? मतलब शहाबुद्दीन विकास के पर्याय हैं आपके लिए?
विकास तो किया है उन्होंने, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। पिछले तीन बार में जो भी जीता वो विकास बार में जनता यहाँ की अपने आप को ठगी हुई महसूस करती थी, क्योंकि यहाँ जो भी पार्टियाँ हैं, जो भी राष्ट्रीय स्तर की भी पार्टियाँ हैं, उस पर ये आरोप रहा है कि अपने वोटरों पे प्रत्याशी को थोपा जाता है। तो कब तक यहाँ की जनता थोपे हुए प्रत्याशियों को आगे बढ़ाते रहेगी? और वो जो थोपे हुए प्रत्याशी आते हैं, उनका बस जीतने के बाद से वो अपने विकास के चक्कर में लग जाते हैं, अपने शहर के विकास की बात करते ही नहीं। तो आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम इस मोहम्मद अंसारी जी। इस मोहम्मद अंसारी। अंसारी साहब आप जी क्या करते हैं? हम गाड़ी चलाते हैं, चालक है। आप गाड़ी चलाते जी? हाँ। आप सिवान के रहने वाले? रहने वाले सिवान जिला के हैं। हाँ। सिवान के खास नहीं है, दोन का हम हैं। अच्छा, तो आपके नज़र में यहाँ मुद्दा क्या है? मुद्दा हमारे जो हम बाहर रहते हैं, हम मुद्दा तो हमको मालूम नहीं है। अच्छा, मुद्दा मालूम। वोट तो दीजिएगा। वोट तो देंगे जरूर, देंगे। किसको दीजिएगा? देखेंगे वोट किसको देंगे, हम देखेंगे ना। अच्छा, आप देखेंगे? हमारे समाज के लोग जाएंगे, सभी लोग साथ। अच्छा, समाज सब साथ में जाएगा उधर। हम हिंदू मुस्लिम सब एक है, हमारा जाति को कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, हमको विकास चाहिए। हाँ, तो विकास। हाँ जी, यही पूछ रहा हूँ, आपकी नज़र में विकास करने लायक कौन है? देखेंगे, हमारे लोग जिधर जाएंगे उधर बताएंगे, हमारे जो श्रेष्ठ लोग हैं वो बताएंगे ना हमको, उधर हम जाएंगे। अच्छा, आपके चीफ जिधर बताएंगे? हाँ हाँ, हम लोग उधर ही हैं। तो देखिए, ये खुल करके कहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन कह भी दे रहे हैं कि हमारे लोग जिधर जाएंगे उधर हम जाएंगे, हमारे चीफ जो कहेंगे वो हम करेंगे। और लेकिन ये भी कहते हैं कि हमारे लिए हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा नहीं है। तो ये जो कहा जाता है कि बिहार के लोग बड़े ही राजनीतिक रूप से जागरूक होते हैं, बातों में उलझाना जानते हैं, अंसारी साहब उसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। ये गाड़ी चलाते हैं, लेकिन देखिए इन्होंने कह भी दिया और नहीं भी कहा। दीनबंधु जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, मैं यहाँ के प्रत्याशियों के बारे में थोड़ा समझना चाहूँगा। इसलिए समझना चाहूँगा क्योंकि देखिए, जो एनडीए का उम्मीदवार है उस पर माले का तमगा लगा हुआ है, जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं वो साहबुद्दीन विरोधी माने जाते हैं, जो मोहम्मद साहबुद्दीन गुजर गए, और जो हिना साहब हैं वो भगवा करण उनका हो गया है, ऐसा दिख भी रहा है। तो सवाल ये है कि यहाँ जो जिस चीज़ के लिए जिसकी पहचान है उसका ठीक उलट दिख रहा है, इसका असर मतदाताओं पर क्या? देखिए, सिवान जो है ना, सिवान का राजनीतिक तासीर जो है, इसके थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाएंगे, यहीं के राजेंद्र बाबू थे जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और यहीं के नटवर लाल भी थे जिनका कोई सानी नहीं था। तो सिवान का तासीर यही है, यहाँ जितना गर्म है उतना ही ठंडा है, जितना ऊंचाई है उतना ही खाई भी है, बदलते रहता है हर बार समीकरण, कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है। इस बार जो समीकरण है वो जो हम लोग देख पा रहे हैं, चूँकि हम लोग की जो नज़र होती है वो एक रिपोर्टर की नज़र होती है, आम लोगों पे ही आधारित होती है, आम लोगों से ही हम लोग सूचना को लेते हैं, तो ऐसे में जो दिख रहा है वो लोग इस बार मूड बना लिए हैं सिवान में दल के विरुद्ध, जो दलीय एक थोपने वाली बात जो है कि प्रत्याशी यहाँ लोकल नहीं दे के मतलब कहीं से ऊपर से तय कर दिया जाता है किसी को दे दो, तो ये मुद्दा भी सबसे बड़ा मुद्दा है। मतलब लोग चाहते हैं कि नहीं, पार्टियों का जो मोनोपोली है उसको तोड़ा जाए। राजद के जो अभी प्रत्याशी हैं औद बिहारी चौधरी हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, काफ़ी लंबा तजुर्बा है उनका, और लालू परिवार के बहुत खास माने जाते हैं, जबकि शहाबुद्दीन राजद के संस्थापक में से रहे हैं। सिवान में जो विकास के कार्य उनके द्वारा किया गया है, जो लकीर उन्होंने खींची है, वो कहीं ना कहीं इस बात का गवाह है कि उन्होंने जो काम किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता है, उसको हटाया नहीं जा सकता है, और हिना साहब के लिए वो एक ताकत है। वो इस बात को दिखा रही हैं, इंगित करवा रही हैं कि जो उनके सौहर ने काम किया है उसी लकीर को आगे खींचेंगी। रमेश सिंह कुशवाहा का जो है वो माले से पहले लड़ते आ रहे हैं, जदयू से एक बार विधायक रहे हैं, पत्नी उनकी कोरा कागज़ हैं, अभी हाउसवाइफ हैं, और उनको कैसे टिकट मिला, किस तरह मिला, ये तो मैं बहुत नहीं जानता हूँ, लेकिन प्रत्याशी उनको बनाया गया है। तो अब देखना होगा कि
उनको कितना समर्थन मिलता है। एक पत्रकार के तौर पर आप बताइए कि उनका माले बैकग्राउंड है तो सवर्ण जाति क्या उनको वोट करने के लिए आगे आएगा, क्योंकि सवर्ण जाति के बीच में ये दुविधा जरूर होगी कि आखिरकार किसको वोट किया जाए, वो हिना साहब को वोट करे या आरजेडी को वोट करे। नॉर्मली सवर्ण जातियां तो एनडीए को वोट करती है, अति पिछड़ा एनडीए को वोट करता है, जो हम बिहार का पॉलिटिकल ट्रेंड देख रहे हैं। ऐसे में एनडीए से प्रत्याशी अगर माले का हो तो सवर्ण जाति को लगेगा कि हमारी जमीन का क्या होगा, या जो भी जमीन ऑन करते हैं, जिनके पास जमीन है उसमें कुर्मी भी हो सकते हैं, कुशवाहा समाज भी हो सकता है, उनको अपना जमीन बचाने का डर होगा। पर वो देख रहा है कि प्रत्याशी ऐसा एनडीए का जो जिसका माले का बैकग्राउंड है, तो क्या वो उनके पक्ष में जाएगा या पसंद करेगा हिना साहब की, नहीं हिना साहब माले के विरोध में लड़ी हैं, उनके पति लड़ते रहे इसलिए हम उनको वोट करें। देखिए सवाल बड़ा ये दिलचस्प आपने सवाल पूछ लिया है। अब चूंकि ये इतिहास के पन्नों में ये सिमट गया है वो दौर, ना ही माले का वो दौर रहा ना ही शहाबुद्दीन अब जीवित हैं, तो अगर शहाबुद्दीन पर कोई आरोप लगा रहा है कि वो बाहुबली की पत्नी है तो वो चैप्टर भी क्लोज हो गया है, क्योंकि शहाबुद्दीन रहे नहीं और हिना साहब पर कभी इस तरह के कोई दाग नहीं लगे हैं, या हिना साहब पर कोई इस तरह का कोई नहीं कर सकता है कि उनका ऐसा कुछ रहा है हिना साहब का, शहाबुद्दीन तक ही वो मामला रहा है। रमेश सिंह कुशवाहा भी अब करीब करीब 20 साल हो गया उनको माले छोड़े हुए, लेकिन अब जब राजनीति की बात आ रही है तो उनके भी इतिहास को टटोला जा रहा है, इनके भी इतिहास को टटोला जा रहा है, और दोनों तरफ से छिटाकसी की जा रही है इतिहास में ही। वर्तमान का सीन अब बदल गया है, माले का भी वो दौर नहीं रहा जो कभी माले का एक रमेश कुशवाहा की छवि थी, या माले के जो और नेता हैं उनकी छवि थी। हाँ ये सच है कि शहाबुद्दीन का सिवान में जो उदय हुआ था और जो इन्होंने इतनी जल्दी लोकप्रियता हासिल की, इतना समर्थन हासिल किया, वो माले के विरुद्ध ही उनको समर्थन प्राप्त हुआ था। कभी रमेश सिंह कुशवाहा शहाबुद्दीन के अगेंस्ट में चुनाव लड़ते थे माले से, आज वो एनडीए के उम्मीदवार हैं। शहाबुद्दीन जो राजद जनता दल के उम्मीदवार हुआ करते थे, उनकी वाइफ अब निर्दलीय हैं, और बी आर चौधरी वहीं हैं जहाँ पहले थे। तो अब ये चीज़ इतिहास बन गया है, वर्तमान अब बड़ा रोचक है, हमको भी उतनी ही मतलब इंतजार है। क्या माना जाए, यहाँ ट्रायंगुलर फाइट है या दो लोगों के बीच में फाइट है? फाइट हिना साहब से ही हो, फाइट तो आमने सामने है, यहाँ फाइट तो आमने सामने, हिना साहब और रमेश कुशवाहा के बीच में ही फाइट। रमेश कुशवाहा कहना उचित नहीं होगा कि पत्नी, एनडीए कहना उचित होगा, क्योंकि एनडीए का अपना वोट बैंक है, मोदी जी के नाम पर लोग वोट दे रहे हैं, मोदी जी को का चेहरा लोग देख रहे हैं, और हिना साहब का भी अपना फेस वैल्यू है, तो आमने सामने का ही चुनाव है। और बी आर चौधरी को भी उम्मीद है कि भाई माले का जो कैडर वोट है और राजद के जो वोट बैंक हैं, यादव समुदाय का जो एक वोट बैंक है, तो और बी आर चौधरी भी नहीं, पर यादव समुदाय किसको वोट करेगा अगर हम ये पूछें, क्योंकि ओपी यादव तो बीजेपी से रहे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? चंद्रशेखर यादव। अच्छा, यादव समाज का रुझान किधर? आरजेडी। आरजेडी, तो अवध बिहारी चौधरी जी लड़ाई में है एकदम श्योर। अच्छा, मुद्दा आपके नजर में क्या? बस विकास मुद्दा है। विकास मुद्दा है, तो विकास करने वाले आपको नजर आते हैं तेजस्वी यादव, तो इसलिए लोग यहाँ तेजस्वी यादव को वोट करेंगे आपको नजर आ रहा है। पर आपका माई समीकरण नहीं टूटेगा? नहीं, हिना साहब के साथ जा रही है, ठीक है, लेकिन तो बात नहीं। अच्छा, वो नहीं हो। चलिए, ये आपने दिलचस्प बात की, सवाल कई हैं और इनके जवाब भी लगातार तलाशा जाता रहेगा, क्योंकि जब तक चुनाव नहीं होगा कई सारे मुद्दे आएंगे, वो बदलते रहेंगे। लेकिन एक बात बहुत दिलचस्प दिखाई पड़ता है कि इस चाय की दुकान पर ज्यों ज्यों आप देखिए दिन ढलना शुरू हुआ है, भीड़ कम होनी शुरू हो गई है, लेकिन सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और चर्चा के केंद्र में हिना साहब। अब सवाल ये उठता है कि निर्दलीय होते हुए हिना साहब क्या अपनी राजनीतिक विरासत को बचा पाएंगी? ये गंभीर सवाल है, क्योंकि उनके पति 2 बार विधायक और 4 बार एमपी रहे, तो हिना साहब के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है कि निर्दलीय रहते हुए वो अपनी राजनीतिक विरासत को बचा सकें, क्योंकि अगर
इस बार उनकी हार होती है क्योंकि पिछले तीन बार वो हार चुकी हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक रूप से वो शून्यता की ओर बढ़ जाएंगी। इसलिए ये गंभीर चुनौती है। इसलिए हमने हिना साहब को देखा जब वो रोड शो कर रही थी तो भगवा धारी भी उनके साथ खड़े थे, अलग अलग अंगोछे में लोग खड़े थे और हिना साहब कह रही थी कि हर कलर हमारा है। सवाल ये उठता है कि सिवान की जनता क्या चुनती है, क्या पसंद करती है, ये 25 तारीख को मालूम पड़ सकेगा क्योंकि मतदान उस दिन होना है और 4 जून को रिजल्ट आएगा जिसमें हर चीज़ क्लियर हो जाएगा कि लड़ाई में हिना साहब हैं, विजयी हिना साहब होती हैं या फिर रमेश कुशवाहा की पत्नी जो कि एनडीए के प्रत्याशी हैं वो होते हैं। मामला दिलचस्प मोड़ पर है। फिलहाल अपने साथी कैमरा पर्सन जेरी के साथ सिवान से पंकज कुमार, TV9 के लिए। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।